आई थिंक देशव्यापी एक हड़ताल की कॉल की गई थी ट्रांसपोर्टर्स द्वारा, ड्राइवर्स द्वारा, उसी के विषय में हमें भी शासन से निर्देश मिले थे कि सुचारू रूप से ट्रैफिक चले, सुचारू रूप से माल का और यात्रियों का परिवहन हो, और इसके लिए विभिन्न जो यूनियंस हैं, जो ड्राइवर्स एसोसिएशंस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन लोगों से बात की जाए। तो इसी क्रम में आज मॉर्निंग में सभी पदाधिकारियों से पहले ऑफिस में बात हुई, उसके बाद हम लोग फील्ड में जाके जो अपने हमारे बस स्टैंड हैं या हाईवे है या इंपॉर्टेंट चौक चौराहे हैं उनका निरीक्षण SSP साहब द्वारा, हमारे द्वारा, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इन सबसे ये वार्ता की जा रही है कि किसी भी रूप से ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसे रोका ना जाए। ठंड का मौसम है, पैसेंजर्स को या माल की ढुलाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, और ये इनकरेजिंग बात है, ये खुशी की बात है कि हमारे सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नियमित अपना काम कर रहे हैं, बसेस का ट्रैफिक भी, ट्रांसपोर्टेशन भी एकदम रूटीन में चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन आगे नहीं आएगा। अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें हमारी बसेज या हमारे ट्रक्स के ट्रांसपोर्ट को रोका गया हो, और हम सभी लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी दशा में जो हमारे यात्री हैं या माल की ढुलाई को न रोका जाए, ये एक तरह से आवश्यक सेवाएं हैं और इनका सुचारू रूप से चलना हम सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए, हम और DM साहब, पूरी SEO सिटी, ADM साहब आप देख रहे होंगे, SDM सदर, सिटी मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर कोतवाली, सभी चौकी इंचार्ज भ्रमण कर रहे हैं और निश्चित तौर से यही देख रहे हैं कि मतलब कहीं पर किसी यात्री को या किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ अगर कोई इसमें बाधक तत्व के रूप में आ रहा है तो सिर्फ कार्रवाई के लिए भी मैंने बता दिया है कि अगर कोई बाधक तत्व के रूप में सामने आएगा, चाहे वो टेम्पो वाला हो या जो भी हो, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन चूंकि जब क्लियर मामला है कि ऐसा कोई इशू ऐसा अभी नहीं फिलहाल है जिसकी वजह से जो है कोई समस्या पैदा हो, तो सबसे वार्ता की जा रही है और कम्युनिकेशन बना करके एक सिस्टम के तहत, चाहे यूनियन के लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो रोडवेज के ड्राइवर्स हों या उनके जो भी पदाधिकारी हैं, सभी से वार्ता की जा रही है, कम्युनिकेशन कर दिया गया है, सिस्टमेटिकली सब चीज़ चल रही है। कहीं पर कोई समस्या होगी तो उसका निश्चित तौर से समाधान किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी, चाहे जसवंत नगर हो, भरथना हो, सिटी हो, हर जगह व्यवस्थापन किया गया है और निश्चित तौर से ये पूरी तरह से स्मूथ ढंग से ये पूरा संपन्न होगा। जो है तो मैंने पहले ही निर्देश दिया कि मतलब इसमें कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया है मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने बल्कि कहा भी है और कई लोगों से वार्ता की जा रही है। मैं समझता हूँ कि समस्या आएगी ही नहीं।